हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त नायरा आज आपको परिचित कराऊंगी कुछ ऐसी जरूरी बातों से जो कि जुड़ी हुई है ब्रेस्ट कैंसर से। जी हाँ, ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आपके लिए काफी घातक सिद्ध हो सकती है, जिसे ठीक करने के लिए हमारे शरीर के कई अंगों को अपने आप से जुदा करना पड़ता है। इसीलिए अगर आप इन बातों से परिचित नहीं है तो आइए मैं आपकी दोस्त नायरा आपको सारी इन बातों से परिचित कराती हूँ। पॉइंट नंबर वन, क्या आप जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर होने की क्या एज होती है? हाल ही में हुए एक शोध से पता चला है कि ब्रेस्ट कैंसर 25 से 40 उम्र की महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है, जो कि एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। पॉइंट नंबर टू, क्या आप जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर होने के क्या कारण है? WHO के अनुसार ब्रेस्ट कैंसर होने के कुछ मुख्य कारण है, जैसे कि बच्चों को स्तनपान ना कराना, बच्चे पैदा ना करना या फिर उम्र ज्यादा हो जाने पर बच्चे पैदा करना। ये सारे कारण हो सकते हैं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो जाए। नंबर थ्री, क्या आप जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर किस जगह के लोगों को सबसे ज्यादा सता सकता है? अगर नहीं जानते हैं तो जानने की जरूरत है, क्योंकि बड़े शहर जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, इन बड़े शहरों की महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर का खतरा ज्यादा रहता है। वो इसलिए क्योंकि इन बड़े शहरों का लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा तेज है। खाने पीने में लापरवाही और अपने फिगर को अच्छे बनाने की होड़ में महिलाएं अपने ऊपर ध्यान देना भूल जाती हैं। पॉइंट नंबर फोर, क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर का शिकार क्यों होती हैं? इसका एक बहुत ही साफ सा कारण है। आज भी महिलाओं के अंदर ब्रेस्ट कैंसर को लेकर काफी संकोच रहता है, जिसकी वजह से ना ही वो ब्रेस्ट कैंसर का चेकअप करा पाती हैं और ना ही डॉक्टर के पास जाकर इस बारे में सलाह ले पाती हैं। आपका अपने शरीर को लेकर प्यार बहुत ही जरूरी है। अगर आप अपने शरीर का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अलर्ट और डॉक्टर से अपना चेकअप जरूर करवाएं। पॉइंट नंबर फाइव, ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय माना जाता है स्तनपान को। स्तनपान कराने से बच्चा तो हेल्दी रहता ही है, साथ ही साथ महिला के अंदर भी एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसके शरीर को संभालने में उसे काफी सहायता मिलती है। स्तनपान कराने से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा टल जाता है। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कि किन जरूरी बातों का ध्यान रखना आपको बहुत ही जरूरी है ब्रेस्ट कैंसर की लड़ाई के लिए। जी हाँ, इन सारी बातों को ध्यान रखें और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करें। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाजत लेती हूँ।